मीना कुमारी और कमाल अमरोहा की प्रेम कहानी पर बनेगी वेब सीरीज, दिखेगा पाकीजा की दौरान का जमाना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपके बीच लाते रहते हैं। दोस्तों बता दें कि संगीत कंपनी सारे गामा और अभिनेता निर्माता बिलाल अमरोहा ने मंगलवार को मीना कुमारी अभिनीत पाकीजा फिल्म पर आधारित एक काल्पनिक सीरीज के निर्माण की घोषणा की है। कमाल अमरोहा की फिल्म पाकीजा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई थी और इसके 50 वर्ष पूरे होने के बाद ये खबर आई थी कि फिल्म में मीना कुमारी ने नरगिस का किरदार निभाया था, जिसे खूब पसंद किया गया था और पाकीजा बॉलीवुड की बेस्ट फिल्मों की फहरिस्त में आती है। पाकीजा की शूटिंग 1996 में शुरू हुई थी और बड़े पर्दे पर पहुंचने में उसे कथित तौर पर 16 साल लगे। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, लेकिन दर्शकों ने उसे खूब सराहा था। जिगर की बीमारी के कारण मीना कुमारी का 29 साल की उम्र में 31 मार्च 1972 को निधन हो गया था, जिसके बाद पाकीजा उस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। कमाल अमरोहा ने मीना कुमारी से 1952 में शादी की थी, लेकिन बाद में यह रिश्ता टूट गया था। सारेगामा की ओर से जारी ये बयान में कहा गया है कि फिल्म निर्देशक कमाल अमरोहा के पोते बिलाल अमरोहा ने सहयोग से काल्पनिक सीरीज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अभिनेत्री और निर्देशक की प्रेम कहानी को दिखाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि सीरीज को ड्यूली फिल्म्स के बैनर तले बनाया जाएगा, जो कि सारेगामा की स्टूडियो निर्माण की शाखा है। दोस्तों, बॉलीवुड की तमाम जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो पहुंचे आप तक। बॉलीवुड एनटीटी में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें।